मुझे चेक करना है कि यार इस वीडियो में कितना अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो फाइनली लॉन्च हो चुका है सोलो लेवलिंग अराइज। जिन भी मेरे दोस्तों को इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस वीडियो को देखते रहो, क्योंकि आज हम आप सबको इस गेम को इंडिया से कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में तो बताएंगे, और साथ में गेम को थोड़ा बहुत खेल के एंजॉय भी करेंगे आप सभी के साथ, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन मजे करने से पहले वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस गेम को ताकि वो भी जल्द से जल्द इस गेम को डाउनलोड करके खेल पाए इंडिया से ही, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपका भाई इसी तरह से नए नए गेम का वीडियोस जो है जल्द से जल्द लाने का कोशिश करता है। करना तो सीधे हम गेम के अंदर ही आ चुके हैं। कुछ इस तरह से हमें ग्राफिक्स मिलता है। हम अभी फिलहाल लॉबी पे है, धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे गेम मोड्स भी है, लेकिन उससे पहले गेम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये एक एक्शन आरपीजी कैटेगरी का मोबाइल गेम है जिसे नेट मार्वेल ने बनाया भी है और पब्लिश भी किया है, और उनके बारे में तो आप सबको अच्छे से पता होगा। रिसेंटली मार्वल फ्यूचर रिवोल्यूशन को शटडाउन किए थे, कुछ उसी के जैसा कॉन्सेप्ट के साथ इस गेम को रिलीज किया गया है, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। लेकिन जो हमारे दोस्त मार्वल फ्यूचर रिवोल्यूशन को खेले थे उनको तो अच्छे से पता होगा, ओपन वर्ल्ड के नाम पे हमें चूना लगाया गया, लेकिन इस गेम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये भी ओपन वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ओपन वर्ल्ड के नाम पे बेचा नहीं गया। अभी के लिए ये गेम सिर्फ और सिर्फ अर्ली एक्सेस पे रिलीज हुआ है कनाडा और थाईलैंड पे। तो हम कैसे खेल पा रहे हैं जानना है ना, तो उसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले एक VPN डाउनलोड कर लो जल्द से जल्द, EUT नाम का, जो आपको फ्री में प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सीधे उसमें जाओ, सर्च करो कनाडा सर्वर, तो उसमें आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अपना जो प्ले स्टोर का डेटा है उसे क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद सर्च करो सोलो लेवलिंग अराइज, तो गेम आपके डिवाइस में डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो ऑब्वियसली यार डाउनलोड कर लो, जिसका लगभग साइज है 122 MB। लेकिन इन गेम आपको अलग से 3.34 GB डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके इजीली इस गेम को एंजॉय कर पाओगे। लॉगिन आपको इसमें 4 मिल जाते हैं जो बहुत ही सिंपल है, और इस गेम को खेलने के लिए आपको VPN का भी यूज करना नहीं पड़ेगा, जो एक प्लस पॉइंट है। तो अभी फिलहाल हम एक दो फाइट कर लेते हैं, तो इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वेपन्स का, हंटर्स का, मेन कैरेक्टर को ही आप कंट्रोल कर पाओगे, और जितने भी सारे हंटर्स होंगे आपको शुमन करना पड़ेगा, वो आपका बैकअप के लिए है। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, अभी के लिए हमारे पास 4 हंटर्स है और सबका अपना अपना स्पेशल एबिलिटीज है, स्पेशल स्किल है, जिसे हम अपग्रेड भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कॉइन्स की कमी है अभी के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम गेम को खेलेंगे और कॉइन्स तो इकट्ठा कर ही लेंगे। उसके अलावा गेम मोड्स की तरफ चले तो गेम मोड्स आपको भर भर के मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्टोरी मोड, गेट से, हंटर, अर्ची और बहुत सारे मोड्स को हम अनलॉक नहीं किए, जो धीरे धीरे अनलॉक करेंगे। तो सीधे चलते हम स्टोरी मोड में। इसमें आपको कटसीन्स के साथ साथ सोलो लेवलिंग अराइज का पूरा एनिमे का फील मिलेगा, जिसे खेल के आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। लेकिन गेम में कमियां भी है, अभी तक तो तारीफ करते हुए आए हैं, कमियां क्या है वो आपको कुछ देर पे पता चल जाएगा। तो चैप्टर 3 में है हम, तो जल्द से जल्द एक फाइट तो करना बनता है, लेकिन उससे पहले मैजिक बीस्ट नाम का एक स्टोरी को हमें क्लियर करना पड़ेगा। Grab all the essence stones. We'll split them between the 9 of us. You saved us. How did you know the magic beasts were gonna drop from above? It was just a feeling. You have good instincts. I'm glad things went smoothly. Keep it up. But I hope your instincts won't pick up on anything unnecessary. What? Don't suck! Come take a look at this! What are you fussing about? Excuse me for a moment. Yeah. They were already comic style में भी हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसमें भी वॉइस ओवर है। Sir, this smells like money. Chino, I think we should be careful. What is this ominous feeling? 6.5 hours later. जो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे यही है, हर एक चीज करने के बाद इतना टाइम ले लेता है गेम को लोड लेने में, क्या ही बताए। आप फ्रस्ट्रेट होके गेम को अनइंस्टॉल ही कर दोगे मुझे लगता है, लेकिन अगर आपको गेम को खेलना है तो ये दिक्कत अभी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर क्या, लोड जब तक नहीं होता है इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है फ्यूचर अपडेट में इसे जरूर ये फिक्स कर देंगे, अगर फिक्स नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आज जल्द से जल्द सभी जो है इस गेम को अनइंस्टॉल करने लगेंगे। बात तो सही है।
तो गेम में कुछ इस तरह से आपको फाइट करना होगा, सिंपली एक एक चैप्टर वाइज है जिसे आपको कंप्लीट करके स्टोरी को भी फॉलो करना है। स्टोरी में जब आप जाते हो अपने कैरेक्टर को खुद ही कंट्रोल करना होता है, लेकिन अगर आप साइड मिशन करते हो तो ऑटो पे भी आप सेट कर सकते हो, यानी आपको कुछ करना नहीं है, कैरेक्टर अपने आप जो है फाइट करके आपके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर देगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिसेंट सा गेम है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका ग्लोबल लॉन्च हो जाए। अभी तो इंडिया में यानी सभी जगहों पे प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुका है प्ले स्टोर पे, तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, ग्लोबल लॉन्च के बाद ही खेलना चाहते हो, तो फटाफट से जाओ प्री रजिस्टर कर लो गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा गेम प्ले रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे देखना है वॉरजोन मोबाइल के अलावा और कौन कौन से वीडियोस को आप पसंद करते हो। करोगे ना तो जल्द से जल्द शेयर भी कर देना। तो चलो अगर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना बनता है ना।